पेपर लीक मामले में तीन पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों ने डीएमएसपी के सद्बुद्धि के लिए किया हवन पूजन। बलिया पेपर लीक के मामले में जिला प्रशासन के खिलाफ संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आज शहर में स्थित बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर परिसर में संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा द्वारा बलिया के डीएम और एसपी के लिए बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। पत्रकारों की माने तो पेपर लीक का मामला बलिया में कोई नया नहीं है। पेपर को पत्रकार ने सच दिखाने का काम किया तो बलिया के डीएम ने पत्रकारों को ही जेल भेज दिया, जिसे लेकर आज बलिया के डीएम और एसपी को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया है। जी, ये किस तरीके का यज्ञ आज आप लोगों ने किया, क्या पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि यहाँ यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल होने की व्यवस्था पहले से है और उसी नकल के क्रम में एक तीन पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। नकल का खुलासा करने, खबर लिखने का परिणाम उनको भोगना पड़ा है। प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सद्बुद्धि दे हे भगवान, आज रामनवमी के अवसर पर बलिया संयुक्त पत्रकार एसोसिएशन संघर्ष मोर्चा ने यह ऐलान किया था कि आज रामनवमी के अवसर पर सद्बुद्धि देने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह बुद्धि शुद्धि यज्ञ करके हवन किया गया है। आखिर में बलिया बार बार नकल का मामला क्यों सामने आता है, पेपर लीक का मामला क्यों सामने आता है और किस तरीके से एक अखबार ने ये खुलासा किया? आपको बता दें कि यह पहली बार ऐसा खुलासा नहीं हुआ है कि आने वाले प्रश्न पत्र का बिंदुवार हल बाजार में घंटा, दो घंटा, चार घंटा पहले यहाँ बिकना मिला और जिसका समाचार मीडिया के लोगों ने छापा और उसकी परिणति यह रही कि उन पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इस तरह का आने वाले प्रश्न पत्र का बिंदुवार हल यूपी बोर्ड परीक्षा में बलिया में खास तौर से सालों से होता रहा है। यह हर कोई जानता है, हर राजनीतिक दल का के लोग जानते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में बैठी है, जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सूचनाओं पर आधारित काम कर रही है, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता भी यह जानते हैं कि बलिया में किस तरह से साल भर में दो बार प्रशासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लोगों की गाढ़ी कमाई होती है, केवल और केवल परीक्षा के नाम पर। पहली बार होता है यहाँ बोर्ड निर्धारण के नाम पर कि बोर्ड बना बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर जो है केंद्र बनाने के नाम पर स्थानीय एसडीएम और जो जिला अधिकारी के नेतृत्व में और जिला विद्यालय निरीक्षक के उपस्थिति में मौजूदगी में बनी हुई कमेटी है जो बोर्ड का परीक्षा केंद्र का निर्धारण करती है। बड़े पैमाने पर धनुगाई इसलिए किया जाता है कि आपके विद्यालय को परीक्षा केंद्र घोषित बनाया जाएगा और यह काम होता है खासतौर से तीन तहसीलों में, जिसकी जाँच करा लेने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यह हर साल क्यों होता है। यहाँ मानक के अनुरूप जो एडेड विद्यालय हैं, मानक के अनुरूप वित्तविहीन विद्यालय हैं, ऐसे तमाम विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया गया और यह जांच स्पष्ट हो जाएगा कि डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए लेकर के मानक विहीन विद्यालयों को पहले परीक्षा केंद्र बनाया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ परीक्षा में जो लोग बाहर से पास नहीं हो पाते हैं दूसरे प्रांतों, दूसरे जनपदों से, यहाँ के एजेंट जो सक्रिय हैं, जो खासतौर से इन तीन तहसीलों में जो विद्यालय हैं